और आइए बढ़ते हैं आगे, खबर बरेली की आप तक पहुंचाते हैं, जहां पर मौलाना तौकीर रजा ने सामूहिक धर्म परिवर्तन का ऐलान किया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तौकीर रजा के मुताबिक 21 जुलाई को 1 साथ 23 लड़के लड़कियां सामूहिक धर्म परिवर्तन करेंगे। अब ये चौंकाने वाला ऐलान उनकी तरफ से जो किया गया है, सभी का सामूहिक निकाह भी होगा, ये उनकी तरफ से कहा गया है। तौकीर रजा ने कहा है कि हमने जिला प्रशासन से सामूहिक धर्म परिवर्तन और निकाह की परमिशन मांगी है। इस वक्त 23 एप्लीकेशंस हैं, इनमें 8 लड़के हैं जो इस्लाम कबूल करना चाहते हैं और 15 लड़कियां हैं, और इन्होंने अपने रिश्ते पहले से तय किए हुए हैं, तमाम के तमाम बालिग हैं। हमने ज़िला प्रशासन से परमिशन मांगी है, आने वाली 21 तारीख को खलील हायर सेकेंडरी स्कूल में हम पहले चरण में हम 5 जोड़े हमने मुंतखब किए हैं, उन लोगों का धर्म परिवर्तन तो तकरीबन उनका पहले से है, आपस में वो कर चुके हैं, तो धर्म परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी और उनका बाकायदा निकाह होगा, सामूहिक निकाह जिसे कहा जाता है, सामूहिक विवाह। तो 21 तारीख को 11 बजे ये कार्यक्रम रखा गया है। तो देखिए, मौलाना तौकीर रजा के सामूहिक धर्म परिवर्तन के बाद अब बवाल हो चुका है, उनके ऐलान के लेकर नाराजगी भी अब देखने को मिल रही है। श्री शिरडी साईं सर्वदेव मंदिर के महंत पंडित सुशील पाठक ने मौलाना तौकीर रजा पर कार्रवाई की मांग की है। द्वारा इस तरह की चेतावनी देना कि हम 23 जोड़ों को विवाह करा के उनका धर्म परिवर्तन कराएंगे, ये तो खुद ही जास्ती है। मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से आग्रह करूंगा, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए और ऐसे आयोजन का किसी भी तरह से परमिशन नहीं दी जाए, ऐसे जिला प्रशासन से मैं निवेदन करूंगा। और ये बढ़ते हैं आगे, कुछ और खबरें आप तक पहुंचाते हैं। ग्रेटर नोएडा से समय बड़ी खबर आ रही है, शराब के नशे में एक लड़का नहर में गिर गया, पुलिस की टीम ने लड़के को नहर से निकाला और उसकी जान बचाई। बताया जा रहा है कि जब लड़का नहर में गिरा तो आसपास के लोगों ने दादरी पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस की टीम कड़ी मशक्कत के बाद लड़के को नहर से बाहर निकालती है। चिटेहरा नहर दादरी थाना क्षेत्र का मामला है। प्रयागराज के सरकारी स्कूल में टीचर्स की लापरवाही का मामला सामने आया है। मेजा में प्राथमिक विद्यालय लोहरा में टीचर्स की लापरवाही के चलते एक 4 साल का बच्चा शिवांश घंटों स्कूल में बंद रहा। बच्चे की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, शिवांश पाल इस बच्चे का नाम है जो घंटों स्कूल के अंदर बंद रहा है स्कूल की लापरवाही की वजह से। छुट्टी के वक्त जल्दी जाने के चक्कर में टीचर्स ने बच्चे को नहीं देखा और स्कूल को बंद करके चले गए। बच्चा अपनी बहन शिवानी के साथ स्कूल गया हुआ था। स्कूल में बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ है। स्कूल बंद होने के बाद बच्चा रोने लगा, तब एक लड़के ने गांव के लोगों को इसकी जानकारी दी। बाद में स्कूल का ताला खोलकर बच्चे को परिजनों को सौंपा गया है। मामले में BSA ने प्रभारी हेडमास्टर और टीचर को सस्पेंड कर दिया है और आगे की जाँच के आदेश दिए हैं। और ये बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं देवरिया की आती है खबर, जहां पर CGST की टीम ने बाखरा रोड पर राइस मिल पर छापा मारा है। छापेमारी के दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कई घंटे राइस मिल में स्टॉक को खंगाला गया है, स्टॉक का मिलान किया गया है और इस दौरान CGST की टीम ने कई अहम कागजात अपने कब्जे में ले लिए।
खबर कोशांबी से है, जहां पर पुलिस ने मूर्ति चोरी करने वाले एक शातिर गैंग का खुलासा किया है। पुलिस ने गैंग के 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बदमाशों के निशानदेही पर 42 लाख कीमत की मूर्ति बरामद की गई है। बदमाश चित्रकूट और मध्य प्रदेश के सतना जिले के रहने वाले हैं। 3 बदमाश पकड़े गए हैं। बदमाशों ने 16 जून को सराय अकील कस्बे से एक मंदिर से देवी की बेशकीमती मूर्ति चोरी कर ली थी। दिनांक 16/6/24 को थाना सरायकील जनपद कौशाम्बी में लौकुश सोनी द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 295/24 धारा 457 380 504 507 पंजीकृत कराया गया था। तीनों अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 10 kg 296 ग्राम मूर्ति के टुकड़े बरामद हुए हैं, जिनकी कीमत करीब 42 लाख बताई जा रही है। उक्त गिरफ्तारी में एसओजी इंचार्ज श्री सिद्धार्थ और इंस्पेक्टर सरायकील श्री विनीत और उनकी पूरी टीम शामिल रही है। और ये बढ़ते हैं आगे आपको बताते हैं कि लखनऊ होटल में ज्वेलर ने जान दी है। महिला की ब्लैकमेलिंग से ये परेशान था, तमंचे से गोली मारकर आत्महत्या की है। लखीमपुर का रहने वाला मनोज सोनी की हम बात कर रहे हैं, जिसने सुसाइड नोट में ब्लैकमेलिंग की बात लिखी है। तो घटनास्थल से सुसाइड नोट मिला है, जिसमें ब्लैकमेलिंग का जिक्र किया गया है। रेप के फर्जी मामले में जेल भिजवाने का भी जिक्र है। सैरपुर इलाके के होटल ड्रिप इनकी घटना होटल ड्रिप इनकी घटना है ये, और इस मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। आज दिनांक 15/7/2024 को थाना सैरपुर में स्थित ड्रिप होटल में कमरा नंबर 10 के अंदर एक व्यक्ति ने अपने आप दाहिने कान पट्टी में एक अवैध 315 बोर का कट्टा से गोली चलाकर आत्महत्या किया है। खाली कारतूस पुलिस को मिला है, साथ साथ एक सुइसाइड नोट भी बरामद किया गया है। प्रस्तुत घटनास्थल निरीक्षण हेतु फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया है, परिजन को सूचना दिया गया है, पंचायतनामा भरकर बॉडी को पोस्टमार्टम हेतु भेजा जाएंगे। मौके पर शांति है, पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्रवाई किया जाएगा। आजमगढ़ में महिला समेत 3 गांजा तस्करों को अरेस्ट किया गया है। तस्करों के पास से 44 किलो गांजा बरामद किया गया है। सिधारी थाने की पुलिस को सूचना मिली कि मुसेपुर क्रॉसिंग के पास से अवैध गांजे को लेकर कहीं जा रहे हैं लोग। बरामद गांजे की कीमत 5 लाख रुपए बताई जा रही है। 2 तस्कर असम और देवरिया के गिरफ्तार किए गए हैं। ये जानकारी मिली कि ये लोग दूर से लाके और फिर यहाँ पे जो बेचने का काम करते थे, कई बार ट्रेन से ये लेके आते थे, तो कई बार बसों के माध्यम से इसकी सप्लाई है वो यहाँ पे करते थे बड़ी मात्रा। सर, इसमें इस चैन की भी जांच होगी कि कैसे और लोग भी इसमें हो सकते हैं? जी बिल्कुल, इसमें होगा, जो कि क्योंकि इस तरह की जो बड़ी खेप है वो आ रही है, तो इसमें हम लोग इनके जो बैकवर्ड और जो फॉरवर्ड लिंकेज हैं उनके बारे में जानकारी करेंगे। ये लोग कहाँ से ला रहे थे और उसके बाद में कहाँ पे इसका डिस्पोज ऑफ करते थे, कहाँ ये बेचते थे, सेल आउट करते थे इसको, तो वो चीज़ की जानकारी हम लोग इसको देखेंगे। सर, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी जितना आपको मिला? करीब इसकी 5 लाख के आसपास में, जो मार्केट में जो वैल्यू है ब्लैक मार्केट में, वो 5 लाख के आसपास में। खबर आजमगढ़ से है, जहां पर सिरकटी लास्ट मिलने से पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पिकअप के लिए 3 आरोपियों ने नशीला पदार्थ खिलाकर ड्राइवर के सिर पर वार किया और उसको मौत के घाट उतार दिया। एक आरोपी फरार है फिलहाल। 10 दिन पहले गाया पिकअप ड्राइवर की सिरकटी लाश मिली थी। केस का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। एसपी ने बताया है कि घटना में शामिल रामचवि मऊ का हिस्ट्री शीटर है और उस पर पहले से 50 से ज्यादा केसेस दर्ज हैं। इसमें आज रामचवि को और छांगुर को इसमें गिरफ्तार किया गया। इनके निशानदेही पे जो कल गिरफ्तार इनको किया गया था, और इन्हीं की निशानदेही पे जो डेड बॉडी है उसको रिकवर किया गया है, और जो गाड़ी है उसकी बरामद की गई है, मोबाइल फ़ोन बरामद किया गया है, इनके पास में 3/15 का एक तमंचा इनके पास से बरामद हुआ है, और जो मैन अभियुक्त है शंकर कन्नौजिया उनके उनको वांछित किया गया है, उनके ऊपर 25,000 का इनाम रजिस्टर से किया गया, और बाकी इसमें जो और कार्रवाई है वो की जा रही है, शीघ्र ही उनकी भी गिरफ्तारी इसमें की जाएगी। और जो घटना है उसमें जो डेड बॉडी मिली है उसमें कुछ पार्ट अभी बरामद नहीं हुआ है, तो उसकी बरामदगी के लिए भी टीम का गठन किया गया है, उसकी भी बरामदगी की जाएगी, और जो शेष अभियुक्त है उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी।
उधर सीतापुर में मिलने वाले राशन को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। जांच में पाया गया है कि जिले में 5,333 आयकर दाता भी फ्री का राशन ले रहे हैं, जिसमें कई विधवा महिलाएं भी हैं जिन्हें पेंशन मिल रही है, वो भी अपने पति के हिस्से का राशन ले रही हैं। जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया है कि यह जांच के आदेश दिए गए हैं। आयकर दाताओं की जांच पूरी जो की जाएगी, अब उसके लिए जांच पूर्ति निरीक्षण करेंगे, जबकि पेंशन का लाभ लेने वाली महिलाओं की जांच विकास विभाग की ओर से कराई जाएगी और एक संयुक्त रिपोर्ट डीएम को भी सौंपी जाएगी। आया था हमारे पोर्टल पे, इसका हमने जिलाधिकारी महोदय से आदेश कराया है। 5,333 ऐसे हमारे राशन कार्ड धारक हैं जिनके परिवार में कोई ना कोई इनकम टैक्स दे रहा है, तो वास्तव में वो पात्र है। उसका हम लोग सत्यापन करा के, एक बार क्रॉस वेरीफाई करा के, जांच करा के सप्लाई इंस्पेक्टर को दिया, ये करा लेंगे। और साथ ही कुछ ऐसी विधवाएं हैं जिनके पति तो हमारा पेंशन ले रहे हैं, पति उनका नाम मृतक होने के बावजूद जुड़ा हुआ है, इसका भी हम लोग वीडियो साहब के माध्यम से सेक्रेटरी के द्वारा सत्यापन कराएंगे।